थैंक यू सो मच एवरीवान तो मैंने कुछ और प्रिपेयर किया था मुझे लगा मैं कुछ और सुनाई थी याद भी किया था सब किया था बट आज पापा की बात हुई तो मैं पापा से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ जो उनके लिए लिखा है अपने पापा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी ही वॉज एन डायलिसिस फॉर टेन ईयर्स एंड डायलिसिस में कुछ खाना नहीं होता मतलब बहुत परहेज करनी होती है और वो हर चीज़ खाते थे छोले भटूरे कचूरी खाली पेट सब कुछ पकौड़े वकोड़े सिर्फ खाने के लिए वो जीते थे जीने के लिए नहीं खाते थे मम्मी से कोई मतलब नहीं था हमसे कोई मतलब नहीं था सिर्फ खाने से मतलब था ऑल्सो वो डेली के थे बॉर्न एंड रेस तो वो फुल गालियाँ देते थे सिर्फ गालियों से बात करते थे हर एक हर एक सेंटेंस पे उनकी गालियाँ होती थी और वो बात ही नहीं कर सकते थे बिना गालियों के तो उनके ऊपर मैंने एक लिखा है और मेरी सारी पोएम्स आम ऑन स्परिचुअल पाथ बाई गॉड्स ग्रेस मेरी सारी पोएम्स भगवान की कॉन्वर्जेसन में होती हैं या भगवान के लिए होती हैं तो ये भी मैं भगवान से बात कर रही हूँ अपने पापा के लिए इस पोएम का नाम है मेरे पापा आज किसी के बारे में तुझसे पूछने आई हूं इस कविता के जरिए अपने सवाल लाई हूं एक बेटी जानना चाहती है अपने पापा का हाल तेरे पास है वो तू रख रहा है ना उनका ख्याल थोड़ी अलग सी आत्मा है वो मैं जानती हूं तू परेशान हो गया होगा उनसे मैं मानती हूं उनकी गालियां सुन सुन के तेरे पक गए होंगे कान तू सहन कर लेना प्रभु उन पे बसती है मेरी जान एक बाप की शक्ल में बच्चा आया है तेरे पास बहुत जिद्दी थे वो जब थे वो मेरे पास लोग जीने के लिए खाते हैं वो खाने के लिए जीते थे जहर था खाना उनके लिए उस जहर को भी वो पीते थे तू सारा काम छोड़ के मेरे पापा को सिर्फ खाना खिलाना अपने हाथों से उन्हें ठंडी शिकंजी पिलाना मेरी तरफ से तू चूमना उनका माथा, उनको सुनाना मेरी कामयाबी की गाथा उनके आशीर्वाद से ही मैं इतनी दूर आई हूँ तेरे पास अपनी बस एक ख्वाहिश लाई हूँ कि मेरी आखिरी सांस में तेरे साथ मेरे पापा भी मुझे लेने आए मुझे अपनी गोद में उठा के फिर से कस के अपने गले से लगाएं। थैंक यू सो मच